हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी पर। दोस्तों, एमटीएस की लगातार प्रैक्टिस सेट आपको सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर कराए जा रहे हैं, और उसी क्रम में प्रैक्टिस सेट नंबर एक करंट अफेयर्स का यहाँ पर हम लेकर वे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं लेकर हम हाजिर हैं, इसी आशा के साथ कि आपको बहुत अधिक पसंद आएंगे। और यदि पसंद आते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप यदि ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, अपनी स्कोरिंग साथ के साथ यदि ज्ञात करना चाहते हैं कि आप कितने क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं, तो आप हमारे somacademy.org पर जाकर फ्री में मॉक टेस्ट का लाभ उठा सकते हैं। वे आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। उसका लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2019 में भारत का रैंक कितनी है? 2019 के अनुसार रैंक पूछी गई है यहाँ पर, तो 133, ऑप्शन ए, ऑप्शन दो 134, 3 140 और 4 ऑप्शन है आपका 136। तो यहाँ पर सही आंसर जो आपका होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, 140 रैंक भारत की इस बार प्राप्त हुई है विश्व प्रसन्नता सूचकांक में। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके का भी आ जाता है कि प्रसन्नता मंत्रालय किस प्रदेश द्वारा जो है सृजित किया गया है, यानी बनाया गया है एक मंत्रालय अलग ही प्रसन्नता के बारे में, कि लोग जिसे बोल सकते हैं कि खुशहाली आयोग, तो वे आपका एमपी द्वारा बनाया गया है, एमपी यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत की रैंक कितनी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं यह है सूचकांक, तो इसमें जो भारत की रैंक है ये आपकी थर्ड वाला ऑप्शन से यानी 36 रैंक इसमें बिल्कुल करेक्ट है, और इसमें भारत ने 8 रैंक का सुधार किया है, यानी पिछले साल 2018 में यहाँ पर हमें 44वीं रैंक प्राप्त हुई थी, लेकिन इस बार जो है 36वीं रैंक प्राप्त हुई है। 8 स्थान का हमने इसमें कह सकते हैं सुधार किया है, और इसमें कुल देश जो भाग ले रहे थे वे थे 50 देश, यानी कि 50 देश ही इसमें भाग ले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के बारे में पूछा है, विवेक देवराय, नरेंद्र मोदी, अरविंद पनगड़िया और राजीव कुमार। तो सही आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शंस दो, यानी नरेंद्र मोदी नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, और यदि उपाध्यक्ष की वर्तमान में बात की जाती है तो उपाध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शंस राजीव कुमार वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। दोस्तों अध्यक्ष की बात करते हैं नीति आयोग के, तो वे भारत के प्रधानमंत्री जो होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, और यदि प्रथम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रथम उपाध्यक्ष जो हैं वो आपके अरविंद पनगड़िया थे, जो अभी फ़िलहाल में इस्तीफा देकर जा चुके हैं, और यदि प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रथम अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी जी ही हैं। और यदि इसके बारे में कुछ नीति आयोग के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो हम जान लेते हैं इम्पोर्टेंट, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं लगातार, नीति आयोग स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई, और पूर्ववर्ती आयोग जो था इससे पहले था योजना आयोग, उसके स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है, और अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय पीएम हैं, और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार हैं, और प्रथम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो अरविंद पनगड़िया के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसकी सिफारिश पर की जाती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य देख सकते हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, नीति आयोग, और जो नाबार्ड एवं नेफेड। तो सही आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर आंसर आपका होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही होगा। देख सकते हैं आप यहाँ CACP के नाम से भी जो है यहाँ पर लिखा हुआ मिल सकता है यही तथ्य आपको, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसकी फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2017 जो 2018 में प्रस्तुत की गई, इस रिपोर्ट का क्रम क्या था?
तो यहाँ पर जो है 14, 15, 16, 17 ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। तो इसका जो है सही आंसर आपका होगा ऑप्शंस दो, यह 15वीं रिपोर्ट थी। देखिए 14वीं रिपोर्ट जो थी 2015 में प्रस्तुत की गई थी, 15वीं रिपोर्ट जो है 2017 में आनी थी, परंतु वो 18 में थोड़ा एक दो महीने का लेट हो गई, तो वो जनवरी में प्रस्तुत हुई 2018 की। और कह सकते हैं कि 16वीं रिपोर्ट जो है वो आपकी 2019 में होगी, क्योंकि 2017 में आनी थी, तो 2 साल के अंतराल से यह रिपोर्ट चलती है। तो इसके अनुसार जो है भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जारीकर्ता इसके केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन थे, जिन्होंने यह रिपोर्ट के जो है जारी की, और इसे जो जारी करता है वो देहरादून का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट करता है, और क्रम 15वां था। प्रथम रिपोर्ट जो इसकी बात करते हैं तो 1987 से लगातार 2 वर्षों के अंतराल पर यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G7 पर्यावरण बैठक कहाँ पर संपन्न हुई। G7 की बात करते हैं तो ये आपका फ्रांस में हुई, यानी 3 ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें पूछा गया है विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है मई के प्रथम रविवार, मई के दूसरे रविवार, मई के तीसरे रविवार और मई के चौथे रविवार, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही आंसर यहाँ पर आपका जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, मई महीने के पहले रविवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, अभी अभी भारत में लागू की गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयुष्मान, मनरेगा, किसान निधि योजना या नोटा, यानी कि नॉन ऑफ दिस अबव। तो सही आंसर आपका होगा ए, आयुष्मान योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। ठीक है, ये ओबामा केयर के से प्रेरित होकर भारत में चलाई गई है, और इसके अनुसार जो भारत में गरीब व्यक्ति हैं, गरीब परिवार हैं, व्यक्ति नहीं कह सकते परिवार कह सकते हैं, उन्हें 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर इसके अंतर्गत दिया जा रहा है। 5 लाख रुपए तक का वह इलाज किसी भी अस्पताल में करा सकते हैं, उसका पे गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान योजना में केंद्र व राज्यों के बीच का खर्च का अनुपात क्या है। आयुष्मान योजना में तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, 60-40, 30-70, 70-30 या फिर 40-70। तो यहाँ पर आपको बताना है आयुष्मान योजना, तो इसमें जो है आपका 60-40 का एवरेज है, यानी कि 60% इसमें जो है केंद्र सरकार देगी और 40% इसमें जो है राज्य सरकार मुहैया कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में देश में पर्यटन कितने प्रतिशत तक बढ़ गया है 2018 में। तो यहाँ से जो है 5%, 6%, 7%, 8%। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा, 5% तक पर्यटन जो है बढ़ा है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का नया जोन होगा, पश्चिम तटीय रेलवे, कोंकण रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे, कोलकाता मेट्रो। देखिए रेलवे मंत्रालय ने जो है एक नई जोन की घोषणा की है, और भारत में वर्तमान में कितने जोन हैं, 17 जोन। तो ये 18वां जोन है जो भारत में बनेगा, और ये होगा आपका दक्षिण तटीय रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे ये आंध्र प्रदेश में होगा, और ये भारत का 18वां जोन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 25, 26, 24, 28। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, 25 हाई कोर्ट हैं भारत में। और यदि नवीनतम 25वें हाई कोर्ट की बात करें कि अंतिम कौन है, तो तेलंगाना हाई कोर्ट जो है अंतिम, यानी कि 25वां हाई कोर्ट है, और यह अपना कार्य जो है 1 जनवरी 2019 से शुरू कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और दोस्तों यहाँ पर एक मुख्य तथ्य मैं आपको और बता दूँ कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होता है, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत जो है एक भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है और 25 हाई कोर्ट हैं, ये आपको तथ्य याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट में कितने 10 जज होते हैं, 31 जज होते हैं, 30 जो हैं न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, हाई कोर्ट के जजों की यदि बात करते हैं तो सभी हाई कोर्ट्स में जजों की संख्या समान नहीं है, कुछ हाई कोर्ट में ज़्यादा है, कुछ में कम है, वो उसके परिक्षेत्र पर निर्भर करता है। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा है जजों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस्कर पुरस्कार
2019 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, यानी जिसे ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ग्रीन बुक, विलेज रॉकस्टार, द शेप ऑफ वाटर, नोटा। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए ग्रीन बुक। 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ऑस्कर प्राप्त, और द शेप ऑफ वाटर जो थी 2018 में थी। विलेज रॉकस्टार भारत की मूवी थी जो ऑस्कर के लिए नामित की गई थी, परंतु ऑस्कर नहीं मिल पाया है। और नोटा क्या अर्थ होता है, नोन ऑफ दी सबव, तो यहाँ पर ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का 30वां सदस्य राष्ट्र बनेगा, मैसेडोनिया, स्पेन, टर्की, पोलैंड। सही आंसर आपका ऑप्शन ए मैसेडोनिया। मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य राष्ट्र बनेगा। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि नाटो इस तरीके से लिखा जाता है, नाटो इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसका अर्थ होता है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कह सकते हैं कि 30 देशों का समूह है जो सामूहिक सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेता है। कह सकते हैं कि किसी एक देश पर आक्रमण पूरे 30 देशों पर आक्रमण माना जाता है। और दोस्तों, नाटो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए, क्योंकि 2018 में इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा शीत युद्ध के बाद, कह सकते हैं शीत युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया है नाटो। इसकी विशालता हम इन तथ्यों से जान सकते हैं कि 50,000 सैनिक इसमें भाग ले रहे थे, 250 विमान थे, 65 युद्धपोत थे, और 29 देशों ने इसमें भाग लिया। तो देख सकते हैं कितना विशाल था, और इन 29 देशों के अलावा भी 3 देशों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2018 में सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाली हिंदी फिल्म कौन सी है, स्त्री, पैडमैन, राजी, बधाई हो। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन से स्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2019 में भारत की रैंक रही है 133, 34, 35, 36 और एक ऑप्शन से 140। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, कह सकते हैं ई ऑप्शन 140। यहाँ पर सभी ऑप्शन जो हैं गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2018 में जो ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईक्यू एयर विजुअल 2018 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व का कौन सा राजधानी शहर सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, दिल्ली, ढाका, इस्लामाबाद, नैरोबी। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए दिल्ली। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी ही वीडियो आगे वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।